नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं अरविंद सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। आज मैं लेकर आया हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की यूनिट 3 का टॉपिक, दैट इज वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा फैराडेज एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ड्रॉबैक्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एंड देन आई विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एंड देन आई विल कंपेयर द वेपर कंप्रेशन एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंत में एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करूंगा स्टेप बाय स्टेप। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब आपका समय ज्यादा ना लेते हुए सीधे चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर की ओर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम, एंड देन सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, उसके बाद वर्किंग ऑफ एब्जॉर्प्शन सिस्टम विद ब्लॉक डायग्राम, एंड देन कंपैरिजन बिटवीन वेपर एब्जॉर्प्शन एंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल सीओपी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, एंड एट लास्ट वन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस विद अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट से। सो इन 1824 साइंटिस्ट माइकल फैराडे परफॉर्म अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू लिक्विफाई सर्टेन गैसेस विच गेव बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। मीन्स 1824 में साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने गैसेस को लिक्विफाई करने के एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट ने वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। आइए देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या है। तो साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने एक फ्लास्क लिया जिसमें उन्होंने सिल्वर क्लोराइड पाउडर लिया, और एक दूसरा फ्लास्क लिया एम्प्टी फ्लास्क, और उसको उन्होंने कूलिंग टैंक के अंदर रखा जिसमें कूलिंग वाटर सर्कुलेट हो रहा था ताकि हम ठंडा कर सकें। ठीक, उसके बाद उन्होंने दोनों फ्लास्क को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, और इस पाइप में उन्होंने वॉल्व की हेल्प से अमोनिया वेपर को इंजेक्ट कराया। जैसे ही अमोनिया वेपर इंजेक्ट हुई, यह अमोनिया वेपर सिल्वर क्लोराइड पाउडर में एब्जॉर्ब हो गई और दूसरा टैंक खाली रहा, यानी कि एम्प्टी रहा। उसके बाद फैराडे जी ने इस सिल्वर क्लोराइड पाउडर को हीट अप करना चालू किया, यानी कि गर्म करना चालू किया बाय द हेल्प ऑफ बर्नर। उन्होंने क्या किया, बर्नर से इसको हीट करना स्टार्ट किया। जैसे ही हीट करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर और प्रेशर राइज हुआ, और जैसे ही AgCl पाउडर का टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हुआ, अमोनिया जो एब्जॉर्ब थी AgCl पाउडर में वो वेपराइज होना स्टार्ट हो गई। दिस वेपर अमोनिया स्टार्ट कंडेंसिंग टू द सेकेंड फ्लास्क ड्यू टू द कूलिंग, और दिस अमोनिया वेपर कंडेंस इन टू द अमोनिया लिक्विड एंड कलेक्टेड इन टू द सेकेंड फ्लास्क। मीन्स कूलिंग की वजह से अमोनिया वेपर लिक्विड में कंडेंस होकर सेकेंड फ्लास्क में स्टोर हो गई। इसके बाद फैराडे जी ने इस बर्नर को रिमूव कर दिया, यानी कि हीट सप्लाई को रिमूव कर दिया। जैसे ही हीट सप्लाई रिमूव हुई, AgCl पाउडर ठंडा होना प्रारंभ हो गया, यानी कि कूल होना स्टार्ट हो गया। कूलिंग की वजह से AgCl पाउडर का टेम्परेचर रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ, और टेम्परेचर की वजह से प्रेशर भी रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ। जब AgCl पाउडर ठंडा हो गया, तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर रिड्यूस द अमोनिया लिक्विड इन सेकेंड फ्लास्क अगेन स्टार्ट बॉइलिंग। जो सेकेंड फ्लास्क में अमोनिया लिक्विड थी, ये बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गई, यानी कि वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, एंड दिस अमोनिया वेपर अगेन स्टार्ट टू एब्जॉर्ब इन द AgCl पाउडर और धीरे धीरे करके पूरी अमोनिया लिक्विड वेपराइज होकर के AgCl पाउडर में एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद फैराडे जी ने क्या किया, दोबारा से हीट सप्लाई देना प्रारंभ किया जैसे ही दोबारा से हीट सप्लाई करना प्रारंभ किया, AgCl पाउडर हीट अप हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ, और ये अमोनिया जो एब्जॉर्ब थी AgCl पाउडर में वो दोबारा से वेपराइज हुई और दूसरे टैंक में कंडेंस होकर के लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के स्टोर हो गई। विच मीन्स दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ अमोनिया डिफर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। मीन्स एट लोअर टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ अमोनिया इन AgCl पाउडर इज वेरी हाई, बट वेन AgCl पाउडर इज हीटेड देन द सॉलिबिलिटी ऑफ अमोनिया
गेट रिड्यूस्ड एंड स्टार्ट वेपराइजिंग अगेन, मीन्स जब AgCl पाउडर का टेम्परेचर हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया लो होगी और अमोनिया वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगी एंड फर्दर कंडेंस इन लिक्विड बाय कूलिंग इन अनदर फ्लास्क, और कूलिंग की वजह से वो अमोनिया वेपर जो है वो लिक्विड में कंडेंस होकर के दूसरे फ्लास्क में स्टोर हो जाएगी। दिस फैराडे एक्सपेरिमेंट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब आइए समझते हैं कि कैसे यह एक्सपेरिमेंट वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है। तो उसके लिए हमें समझना होगा पहले कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है क्या। तो आइए समझते हैं कि क्या है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। सो सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम इन विच ड्रॉबैक्स ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज रिमूव्ड। मीन्स वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम वेपर कंप्रेशन सिस्टम का मॉडिफिकेशन है जिसमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स को रिमूव किया गया है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं। उससे पहले हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम को रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स को जानेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर वेपर कंप्रेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बना लिया है और पीयर डायग्राम बना लिया है। ये पीयर डायग्राम हो गया, ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। आइए रिवाइज करते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम। सो इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम देर इज अ कंप्रेसर विच इज यूज टू कंप्रेस द सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट इन टू द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट। दिस सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट फर्दर कंडेंस टू द सैचुरेटेड लिक्विड इन कंडेंसर बाय रिमूविंग द हीट। नाउ दिस सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट फर्दर एक्सपेंड इन थ्रोटल वॉल्व एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी टू द वेरी लो टेम्परेचर T4। दिस वेरी लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट फर्दर यूज टू क्रिएट द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इन इवेपोरेटर बाय एब्जॉर्बिंग हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर QA एंड कन्वर्ट इन टू द वेपर रेफ्रिजरेंट। नाउ दिस वेपर रेफ्रिजरेंट फर्दर कंप्रेस्ड इन कंप्रेसर टू अ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर एंड दिस साइकिल फर्दर कंटिन्यू। दिस इज अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। नाउ अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम की। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक डायग्राम को हटा देते हैं। ओके, सो फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम वेपर यूजेज मैकेनिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर टू चेंज द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। मीन्स वेपर कंप्रेशन सिस्टम वेपर रेफ्रिजरेंट को सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी यूज करता है विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, यानी कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज होता है। एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हैज अनबैलेंस्ड मास विच प्रोड्यूसेस अ वाइब्रेशन एंड विच कॉजेस द वियर टियर एंड फ्रिक्शनल लॉसेस। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में अनबैलेंस्ड मास प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और वाइब्रेशन की वजह से वियर टियर और फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस रिड्यूस होती है। नाउ इफ द साइज ऑफ कंप्रेसर विल स्मॉल देन द फ्रिक्शनल लॉसेस विल बी वेरी लेस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विल बी वेरी हाई। मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कंप्रेसर एंड द साइज ऑफ कंप्रेसर इज डिसाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर दैट इज एट पॉइंट 1 एंड द वॉल्यूम ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट इज डिपेंडेंट टू द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। इफ द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम विल बी वेरी लार्ज अराउंड 1000 टन्स देन द वॉल्यूम ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट एट पॉइंट 1 विल बी वेरी लार्ज। दैट मीन्स द साइज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विल ऑल्सो बी वेरी लार्ज विच प्रोड्यूसेस द लार्ज फ्रिक्शनल लॉसेस। मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ द हाई कैपेसिटी सिस्टम विल बी पुअर इफ वी यूज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। मीन्स अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम कैन नॉट यूज फॉर लार्ज कैपेसिटी एप्लीकेशन सच एज मोर देन 1000 टन्स और मोर देन 100 टन्स बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम विल बी वेरी पुअर। Now another drawback of vapor compression system is the liquid present in vapor at the inlet of compressor causes harmful effect to the compressor as well as reduces the refrigerating effect and also reduces the life of the system. Compressor के inlet में अगर moisture present है vapor में, यानी कि wet vapor अगर available है compressor के inlet में, तो वो wet vapor compressor को harmful harm create करता है
हार्मफुल होता है और साथ में ही रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को भी रिड्यूस करता है, जिससे परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम घटती है और साथ में ही लाइफ ऑफ द सिस्टम भी रिड्यूस होती है। सो मॉइस्चर कंटेंट इन वेपर एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर इज नॉट डिजायरेबल, हमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं डिजायरेबल है वेपर कंप्रेशन सिस्टम में एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर, यानी कि सैचुरेटेड वेपर हो या तो इनलेट पे या फिर सुपर हीटेड वेपर हो एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। वेट वेपर या मॉइस्चर कंटेंट इन वेपर इज नॉट डिजायरेबल। लास्ट ड्रॉबैक ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज द कॉस्ट ऑफ सिस्टम इज वेरी हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज वेरी हाई एंड ऑल्सो द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो हाई। सो दीज आर द ड्रॉबैक ड्यू टू विच द वेपर कंप्रेशन सिस्टम कैन नॉट यूज फॉर हाई कैपेसिटी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, बिकॉज फॉर हाई कैपेसिटी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट इज रिक्वायर्ड एंड टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्ड लार्ज साइज ऑफ कंप्रेसर एंड इन लार्ज साइज ऑफ कंप्रेसर देयर इज अ लार्ज यू नो लॉसेस, फ्रिक्शनल लॉसेस एंड ड्यू टू विच परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज वेरी लेस। सो हाउ वी कैन मॉडिफाई द वेपर कंप्रेशन सिस्टम टू reduce the drawbacks? So we can modify the vapor compression system by reducing the volume of the vapor refrigerant. अगर हम vapor refrigerant का volume अगर घटा सकें high capacity systems के लिए, तो हम small size compressor use कर पाएंगे, जिससे हमारा system easily perform कर पाएगा और performance of the system भी high होगी। या फिर हम अगर volume of vapor refrigerant घटा नहीं पा रहे हैं, तो हम कंप्रेसर को रिप्लेस कर दें किसी और इक्विपमेंट से। अगर कंप्रेसर हटा देंगे और उसकी जगह पर कोई और इक्विपमेंट ले आए जिसमें लॉसेस बहुत कम हो, तो भी परफॉर्मेंस ऑफ द हाई कैपेसिटी सिस्टम इंप्रूव हो जाएगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक या तो वॉल्यूम ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट रिड्यूस कर पाए, सेकेंड या फिर हम कंप्रेसर रिड्यूस को रिमूव कर दें, या फिर अगर दोनों हो पाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अगर एक हो जाता है तो भी हमारे परफॉर्मेंस ऑफ द हाई कैपेसिटी सिस्टम इंप्रूव हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम वेपर के वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम फैराडे एक्सपेरिमेंट का प्रयोग करें, यानी कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस यानी कि लिक्विफिकेशन ऑफ वेपर का प्रयोग करें, तो हम वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल बी 1/200 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वेपर और इवन मोर इन केस ऑफ वाटर। अगर वाटर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होगा, यानी वाटर का जो वॉल्यूम होगा, वो वेपर के वॉल्यूम का 1/1000 टाइम्स भी होता है। तो अगर हम बात करें रेफ्रिजरेंट की, तो अगर हम वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट विल बी 1/200 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट। टेक एन एग्जांपल ऑफ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 1000 टन्स, यानी कि हमने एक रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम लिया जिसकी कैपेसिटी कितनी 1000 टन है, और सच लार्ज कैपेसिटी सिस्टम के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट है वो मान लिया हमने 200 लीटर वेपर रेफ्रिजरेंट की रिक्वायरमेंट है। ओके, अगर हम इस वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो वॉल्यूम जो होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट का, वो 1/200 टाइम्स ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। तो इस केस में 200 लीटर अगर वेपर रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम है, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1 लीटर। एंड 1 लीटर वॉल्यूम इज वेरी लेस कंपेयर टू द 200 लीटर वॉल्यूम। नाउ विच वॉल्यूम इज वेरी इजी टू हैंडल, 1 लीटर वॉल्यूम इज वेरी इजी टू हैंडल और 200 लीटर वॉल्यूम इज वेरी इजी टू हैंडल। सो आई थिंक एवरी वन विल बी एग्री विद मी दैट 1 लीटर वॉल्यूम इज वेरी इजी टू हैंडल। एंड इफ वी कन्वर्ट द वेपर रेफ्रिजरेंट इन टू द लिक्विड रेफ्रिजरेंट विद द हेल्प ऑफ फैराडे एक्सपेरिमेंट, देन द प्रॉब्लम ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट विल बी सॉल्व एंड द लिक्विड रेफ्रिजरेंट कैन बी प्रेशराइज विद द हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ पंप। लिक्विड रेफ्रिजरेंट को प्रेशराइज करने के लिए हम पंप भी यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, कंप्रेसर भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि कंप्रेसर को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लार्ज वेपर वॉल्यूम की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, हम उसको लिक्विड कन्वर्ट करके हम वॉल्यूम भी रिड्यूस कर लेंगे, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को प्रेशराइज करने के लिए हम स्मॉल साइज पंप भी यूज कर सकते हैं। और पंप में वर्क इनपुट की भी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और पंप में फ्रिक्शनल लॉसेस भी कम होते हैं, जिससे क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम भी इंप्रूव होगी। तो हमारी दोनों प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाती हैं। और थर्ड जो हमारे पास ड्रॉबैक था, लिक्विड प्रेजेंट इन द वेपर एट द इनलेट ऑफ कंप्रेशन, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने कंप्रेसर ही हटा दिया। तो अब यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट हो या वेपर, हमारे परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फैराडे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से पहले हम जो इवेपरेटर से वेपर रेफ्रिजरेंट मिलेगा उसको हम एब्जॉर्ब करवा करके लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करेंगे।
फिर इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हम क्या करेंगे, पंप की हेल्प से प्रेशराइज करेंगे अप टू द हाई प्रेशर लिमिट, एंड हाई प्रेशर लिक्विड को हम एक बॉयलर में या किसी जनरेटर में हीट करके दोबारा से उसको वेपर में कन्वर्ट कर लेंगे, और उस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के वेपर रेफ्रिजरेंट को हम कंडेंसर में सेंड करके साइकिल को रन करा लेंगे। सो फैराडे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करके और कंप्रेसर को पंप से रिप्लेस करके हम मॉडिफाई कर सकते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम को, और एक नया हाई कैपेसिटी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। नाउ वेपर कंप्रेशन सिस्टम को मॉडिफाई करके हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेपर कंप्रेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद उसको मॉडिफाई करके वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने वेपर कंप्रेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। नाउ इन द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम द कंप्रेसर इज रिप्लेस बाई वेरियस कंपोनेंट्स सच एज, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर को रिप्लेस कर देते हैं। ओके तो हमने यहाँ पर कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया है। नाउ इन प्लेस ऑफ कंप्रेसर फर्स्ट कंपोनेंट इज यूज्ड एब्जॉर्बर, फर्स्ट कंपोनेंट इज एब्जॉर्बर, आई ड्रॉ कर लेते हैं एब्जॉर्बर को। तो दिस इज द एब्जॉर्बर। नाउ व्हाट इज एब्जॉर्बर, सो एब्जॉर्बर इज अ कंपोनेंट इन विच लिक्विड एब्जॉर्बेंट इज प्रेजेंट विच एब्जॉर्ब द वेपर रेफ्रिजरेंट कमिंग फ्रॉम द इवेपरेटर एंड फॉर्म द लिक्विड मिक्सचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड रेफ्रिजरेंट विच इज कॉल्ड द रिच मिक्सचर, विच इज कॉल्ड द रिच मिक्सचर बिकॉज इन दिस मिक्सचर 100% ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब इन द एब्जॉर्बेंट मीन्स 100% ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट इज प्रेजेंट, सो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड द रिच मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज पंप, नेक्स्ट कंपोनेंट इज पंप विच इज यूज टू प्रेशराइज द रिच मिक्सचर अप टू द हाई प्रेशर लिमिट, पंप इज यूज टू प्रेशराइज द रिच मिक्सचर अप टू द हाई प्रेशर लिमिट। नेक्स्ट कंपोनेंट इज जनरेटर, नेक्स्ट कंपोनेंट इज जनरेटर, जनरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉयलर इन विच हीट इज सप्लाई टू द हाई प्रेशर रिच मिक्सचर ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड एब्जॉर्बेंट, ड्यू टू द हीटिंग ऑफ रिच मिक्सचर द लिक्विड रेफ्रिजरेंट स्टार्ट बॉइलिंग और वी कैन से वेपराइजिंग एंड कन्वर्ट इन टू द सुपर हीटेड वेपर, दिस सुपर हीटेड वेपर ऑफ रेफ्रिजरेंट ट्रांसफर टू द कंडेंसर वेयर द सुपर हीटेड वेपर कंडेंस इन टू द सैचुरेटेड लिक्विड एट पॉइंट थ्री एंड दिस सैचुरेटेड लिक्विड फर्दर एक्सपेंड इन थ्रोटल वॉल, एक्सपेंड इन थ्रोटल वॉल टू अ वेरी लो टेम्परेचर ऑफ T4, दिस लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट फर्दर सेंड टू द इवेपरेटर वेयर इट क्रिएट द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट by absorbing the heat in the evaporator and convert it into the vapor refrigerant. This vapor refrigerant further sent to the absorber where it absorb in the absorbent and form the rich mixture. And this further rich mixture pumped to the high pressure limit and sent to the generator where the heat is supplied and the liquid refrigerant vaporized into the superheated vapor and further sent to the condenser. This cycle continue run. This is the main cycle. Now there is a secondary cycle of absorbent which is incomplete. To complete this cycle need to come at generator again. In generator when the liquid refrigerant of rich mixture vaporized on heating from the mixture then this rich mixture will convert into the lean mixture in which the percentage of vapor refrigerant is minimum. Only the absorbent is present, so this mixture is called the lean mixture and this lean mixture need to expand to the absorber pressure with the help of a next device which is called the pressure reducing valve. So pressure reducing valve reduce the pressure of lean mixture up to the absorber pressure and this lean mixture after expansion in pressure reducing valve fall back to the absorber and this secondary cycle will also complete. So this is the simple vapor absorption system in which four component that is absorber, pump, generator and pressure reducing valve is used in place of compressor. So simple vapor absorption system uses heat energy instead of mechanical energy by compressor as in vapor compression system.
इन ऑर्डर टू चेंज द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ साइकिल. मीन्स इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम मैकेनिकल एनर्जी यूज विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर, वाइल इन द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम ओनली द हीट एनर्जी यूज इन द बॉयलर टू चेंज द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट. सो दिस इज द सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इन विच फोर कंपोनेंट इज यूज इन प्लेस ऑफ कंप्रेसर. नाउ अब बात करते हैं हम लोग कंपेरिजन बिटवीन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम. तो मैंने यहाँ पर एक साइड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम ले लिया है और दूसरी साइड वेपर कंप्रेशन सिस्टम ले लिया है. आइए स्टार्ट करते हैं. इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम ओनली मूविंग पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम इज पंप. वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में केवल पंप एक मूविंग पार्ट है विच रिक्वायर्स निग्लिजिबल वर्क इनपुट. थस द ऑपरेशन इज क्विट एंड सब्जेक्टेड टू वेरी लिटिल वियर. वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम में केवल पंप एक मूविंग कंपोनेंट है जिसमें निग्लिजिबल वर्क इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है और ये बहुत ही शांत मतलब बहुत ही क्वाइट ऑपरेशन है और जिसमें वियर और टीयर बहुत ही मिनिमम होता है. वाइल इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम फॉर द सेम कैपेसिटी द लार्ज साइज कंप्रेसर इज यूज विच रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट एंड लार्ज कंप्रेसर हैज मोर मूविंग पार्ट्स एंड अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू विच मोर वाइब्रेशंस एंड वियर एंड टीयर ड्यू टू विच मोर फ्रिक्शनल लॉसेस. सो द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो बी वेरी लेस. इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूजेज हीट एनर्जी टू चेंज द कंडीशन ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट. वाइल इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू चेंज द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट. इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम द लोड वेरिएशंस डोंट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम. अगर हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में लोड बढ़ाते हैं कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं मान लीजिए 1010 से 2000 इंक्रीज करते हैं तो परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है. वही अगर हम बात करें कंप्रेशन सिस्टम की इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम द परफॉर्मेंस एट पार्शियल लोड वेरिएशन इज पुअर. अगर हम 2010 से 5010 भी अगर लोड इंक्रीज करते हैं कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं कंप्रेशन सिस्टम में तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है. इसलिए हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम को हम बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी के लिए यूज नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट कंपेरिजन इज द लिक्विड रेफ्रिजरेंट लीविंग द इवेपोरेटर हैज नो बैड इफेक्ट एक्सेप्ट रिड्यूसिंग द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट. अगर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में इवेपोरेटर के बाद अगर लिक्विड कंटेंट अवेलेबल है रेफ्रिजरेंट में तो वो बैड इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है. बहुत ज्यादा अगर इफेक्ट होगा तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, अदरवाइज नो हैव एनी बैड इफेक्ट. ओके. वाइल इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम इफ देयर इज अ लिक्विड रेफ्रिजरेंट लीविंग द इवेपोरेटर हैव वेरी बैड इफेक्ट्स टू द कंप्रेसर अलॉन्ग विद द रिड्यूसिंग द रेफ्रिजरेंट इफेक्ट. अगर वेपर कंप्रेशन सिस्टम की बात करें तो कंप्रेसर के पहले एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर अगर वेपर में लिक्विड कंटेंट अवेलेबल है यानी मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है तो ये मॉइस्चर कंटेंट कंप्रेसर में बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट क्रिएट करता है. कंप्रेसर की लाइफ रिड्यूस हो जाती है और साथ ही साथ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाती है जिससे परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम भी घटती है. तो लिक्विड कंटेंट यानी मॉइस्चर कंटेंट इज नॉट डिजायरेबल इन द वेपर एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर. ओके. नाउ नेक्स्ट कंपेरिजन इज इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कैन बी यूज फॉर लार्ज कैपेसिटी अबव 1000 टन्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम. वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम 1000 टन और इससे भी ज्यादा हाई कैपेसिटी के लिए यूज कर सकते हैं. 2000 टन 3000 टन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. वाइल वेपर कंप्रेशन सिस्टम कैन बी यूज फॉर स्मॉल कैपेसिटी यूजली अप टू 110 मैक्स. वेपर कंप्रेशन सिस्टम को मैक्सिमम 100 टन तक यूज कर सकते हैं. 100 टन भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होगी. वेपर कंप्रेशन सिस्टम हम 50 टन 20 टन तक ही डिजायरेबल है. इसके ऊपर हम अगर चाहें तो 100 टन तक यूज कर सकते हैं बट द परफॉर्मेंस विल नॉट वेरी गुड. ओके. नाउ नेक्स्ट कंपेरिजन इज वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम रिक्वायर्स लार्ज फ्लोर एरिया वाइल वेपर कंप्रेशन सिस्टम रिक्वायर्ड वेरी लेस फ्लोर एरिया. वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए जबकि वेपर कंप्रेशन सिस्टम बहुत स्मॉल स्पेस में स्टेबल हो जाता है इंस्टॉल हो जाता है. द कॉस्ट ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज वेरी लेस. कैपिटल कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी लेस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज वेरी लेस. वाइल वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज वेरी हाई. सो दीज आर द कंपेरिजन बिटवीन द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम एंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम. नाउ अब बात करते हैं हम लोग कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम. सो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन इवेपोरेटर टू द वर्क डन बाय पंप एंड हीट सप्लाई इन जनरेटर. नाउ
द पंप वर्क इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट कैन बी निग्लेक्टेड इन वेपर ऑफ द सिस्टम. पंप वर्क इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन निग्लेक्ट दिस पंप वर्क. When so if we neglect the pump work, then the COP will be equal to the heat absorbed in evaporator, that is QE, upon heat supply in generator, that is QG. Okay, so COP का formula हो गया QE upon QG. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, QE upon QG का relationship निकालना है. Now according to the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics क्या कहता है, heat entering to the system and heat rejected to the system will be equal. तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हीट इंटर कर रही है सिस्टम में. सो QE इज इंटरिंग टू द सिस्टम एंड QG इज इंटरिंग टू द सिस्टम. QG इंटरिंग टू द बॉयलर एंड QE इज इंटरिंग टू द इवेपोरेटर. अब बात करें हीट रिजेक्टेड की, तो QC इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, दैट इज QC इज द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर. सो हम लोग इक्वेट कर देते हैं इन तीनों हीट को. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, द इक्वेशन विल बी QG प्लस QE इज इक्वल टू QC. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. Now, let us assume TG is the temperature at which heat QG is given to the generator. TC is the temperature at which QC heat is rejected from the condenser. And T is the temperature at which heat QE is absorbed in the evaporator. तो हमने तीन temperature को assume किया है, TG, TC and TE. ठीक है? Now, since assume that वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कैन बी कंसीडर एज अ परफेक्ट रिवर्बल सिस्टम. हम ये मान के चलते हैं, ये कंसीडर करते हैं कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है वो परफेक्ट रिवर्बल सिस्टम है, और परफेक्ट रिवर्बल सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो सेम होती है. तो हम लोग यहाँ पर एंट्रोपी प्रिंसिपल लगा देंगे फॉर द रिवर्बल सिस्टम. ओके, सो व्हाट इज द एंट्रोपी प्रिंसिपल, एंट्रोपी विल बी सेम. सो एंट्रोपी क्यू जी अपॉन टी जी प्लस क्यू ई अपॉन टी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन टी सी. ये हम लिख सकते हैं एंट्रोपी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. Now, हम यहाँ पर QC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे. QC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे. QC इक्वल टू क्या है, QG प्लस QE. आई पुट करते हैं, सो द इक्वेशन विल बी QG अपॉन TG प्लस QG अपॉन TG प्लस QE अपॉन T इक्वल टू QG प्लस QE अपॉन TC. हमने यहाँ पर QC की वैल्यू पुट कर दी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से. नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे, बस हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है. QG QG एक साथ देना है और TG और QE QE को एक साथ देना है. तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, यहाँ से QG अपॉन TC को उधर ले गए हैं राइट साइड, और QE अपॉन T को हम लेफ्ट साइड ले आए हैं. देखिए यहाँ पर, तो QG अपॉन TG माइनस QG अपॉन TC इक्वल टू QE अपॉन TC माइनस QE अपॉन TE. ओके, यहाँ से QE और QG कॉमन हो जाएंगे. ओके, हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया और LCM ले लिया. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, QG इंटू TC माइनस TG अपॉन TG इंटू TC इक्वल टू QE T माइनस TC अपॉन TC माइनस TE. ओके, हमें निकालना क्या है, हमें COP का फॉर्मूला होता है QE अपॉन QG. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, QE अपॉन QG की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ टेम्परेचर. यही निकाल लेते हैं. सो QE अपॉन QG इक्वल टू हो जाएगा TC माइनस TG अपॉन TG इंटू T अपॉन T माइनस TG. सो दिस इज अ रिलेशनशिप फॉर द COP ऑफ द वेपर ऑफ द सिस्टम. अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे. अगर हम इस TC माइनस TG से माइनस कॉमन ले लें और इस T माइनस TC से माइनस कॉमन ले लें और ये माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, बहुत हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया है. तो QE अपॉन QG इक्वल टू हो जाएगा TG माइनस TC अपॉन TG इंटू T अपॉन TC माइनस TE. दिस इज द फाइनल रिलेशनशिप फॉर द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम. दिस इज द coefficient of performance of the vapor absorption system, that is TG minus TC upon TG into T upon TC minus TE. Now the coefficient of performance of vapor absorption system have two expression. Vapor absorption system के coefficient of performance में दो expression है, एक है TG minus TC upon TG and दूसरा expression है T upon TC minus TE. और ये दोनों expression एक parameter को denote करते हैं. आइए देखते हैं कि ये दोनों expression किस किस parameter को denote करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं T अपॉन TC माइनस TE की. तो उसके लिए हमने यहाँ पर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेंट सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. सो वेयर T अपॉन TC माइनस TE डिनोटेड टू पैरामीटर, इसके लिए हम बात करते हैं कि पहले टेम्परेचर है किस पैरामीटर के. सो T इज द टेम्परेचर ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट इवेपरेटर एंड TC इज द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर वेयर द हीट इज रिजेक्टेड QC. So these are the temperature of evaporator and the condenser.
दैट इज लोअर टेम्परेचर लिमिट एंड अपर टेम्परेचर लिमिट। अगर हम यहाँ पर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का जो पार्ट हमने ऐड किया है, जो मॉडिफाई किया है, दैट इज बॉयलर एब्जॉर्बर पंप को हटा करके वापस से कंप्रेसर लगा दें, यानी कि कंप्रेशन सिस्टम को कन्वर्ट कर दें, यहाँ पर वापस कंप्रेशन सिस्टम ड्रॉ कर दें, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सीओपी है वेपर कार्नोट साइकिल की। अगर हम यहाँ पर क्या करें, जो हमने मॉडिफाई किया है, बॉयलर लगाया है, एब्जॉर्बर लगाया है, पंप लगाया है, इसको हटाकर वापस इसको हम यहाँ पर कंप्रेसर यूज़ कर लें, ठीक है, तो ये प्रकार का वेपर कार्नोट साइकिल या कह सकते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल की सीओपी है। तो टी अपॉन टी सी माइनस टी इज द सीओपी ऑफ वेपर कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल, या फिर कह सकते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल की सीओपी है टी अपॉन टी सी माइनस टी। तो टी अपॉन टी सी माइनस टी इज द सीओपी ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल और वेपर कार्नोट साइकिल। अब बात करें टी जी अपॉन टी जी माइनस टी सी अपॉन टी जी की, तो टी जी माइनस टी सी अपॉन टी जी, तो ये जो टी जी है टेम्परेचर है ऑफ बॉयलर एट विच हीट इज सप्लाइड टू द बॉयलर, एंड टी सी इज द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर। और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कंडेंसर टेम्परेचर यानी टी सी इज ऑलवेज इक्वल टू द एब्जॉर्बर टेम्परेचर यानी कि टी ए। इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम टी सी इज ऑलवेज इक्वल टू टी ए, यानी कि कंडेंसर टेम्परेचर और एब्जॉर्बर टेम्परेचर दोनों इक्वल टेम्परेचर पे होते हैं। तो हम यहाँ पर टी सी को टी ए से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम टी सी को टी ए से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, तो एक्सप्रेशन बचेगा टी जी माइनस टी ए अपॉन टी जी। दैट मीन्स दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टेम्परेचर बिटवीन बॉयलर एंड एब्जॉर्बर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये डिनोट कर रहा है बॉयलर से जो हीट ली और हमने एब्जॉर्बर को हीट दे दी और हमें यहाँ पर वर्क आउटपुट मिलेगा, यानी कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंडरी साइकिल, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंडरी साइकिल। तो जितनी हीट इंटर हुई और जितनी हीट रिजेक्ट हुई उसको अगर डिफरेंस करें टी जी माइनस टी ए करें तो दिस इज अ वर्क डन, दिस इज अ वर्क डन एंड टी जी इज द हीट सप्लाई। तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई दैट इज द इफिशंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल, इफिशंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल वेयर द टी जी इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड टी ए इज द मिनिमम टेम्परेचर। सो दिस इज द इफिशंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। सो टी जी माइनस टी सी अपॉन टी जी इज द इफिशंसी ऑफ कार्नोट इंजन एंड टी ई अपॉन टी सी माइनस टी इज द सी ओ पी ऑफ वेपर कार्नोट रेफ्रिजरेशन और वी कैन से वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, तो आपको याद रखना है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सी ओ पी ऑफ वेपर कार्नोट रेफ्रिजरेशन एंड द इफिशंसी ऑफ कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल। सो सी ओ पी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज द सी ओ पी ऑफ वेपर कार्नोट रेफ्रिजरेशन और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्लस वेपर इफिशंसी ऑफ द कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। नाउ अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की। तो हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप आराम से पढ़ेंगे और जो डाटा गिवन है उसको हम साथ में लिखते जाएंगे, उसके बाद हम उसको फॉर्मूला लगा करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन एन एब्जॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेटर द हीट इज सप्लाइड टू एन एसी जनरेटर बाय कंडेंसिंग स्टीम एट 2 bar एंड 90% ड्राई। यानी जो प्रेशर और ड्राई सेक्शन दे रखा है किसका दे रखा है, स्टीम का दे रखा है जो बॉयलर में सप्लाई हो रही है टू हीट अप द अमोनिया वेपर। ठीक है, ये हमें जो 2 bar प्रेशर दे रखा है ये किसका दे रखा है, स्टीम का दे रखा है, जिसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं बॉयलर में हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बॉयलर में होता क्या है बॉयलर में हीट सप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम। तो हमें स्टीम जिस प्रेशर पे सप्लाई हो रही है वो प्रेशर दे रखा है और उसकी क्वालिटी दे रखी है कि वो 90% ड्राई है। और स्टीम का यूज़ क्या है, हीट सप्लाई करना किसको, अमोनिया लिक्विड को, ताकि वो वेपराइज हो सके और सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो सके, ताकि हम उसको कंडेंसर में सेंड कर सकें। तो स्टीम का यूज़ है हीट सप्लाई के लिए, इसको हीट सप्लाई करेगा अमोनिया रेफ्रिजरेंट को करेगा, किस में करेगा बॉयलर में करेगा। तो आपको यहाँ पर स्टीम की कंडीशन दे रखी है, तो हम स्टीम की कंडीशन की हेल्प से हम स्टीम का टेम्परेचर निकालेंगे, स्टीम का टेम्परेचर यानी कि बॉयलर का टेम्परेचर यानी कि टीजी निकालेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो हम लोग को दिया हुआ है स्टीम प्रेशर इन बॉयलर दैट इज 2 bar एंड स्टीम का ड्रेन सक्शन दे रखा है दैट इज 90%। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। द टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर इज टू बी मेंटेन एट -5°C। तो रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर मेंटेन रखना है दैट इज द इवेपोरेटर टेम्परेचर आपको दे रखा है -5°C, दैट इज द टी टेम्परेचर आपको दे रखा है, इवेपोरेटर टेम्परेचर टी दे रखा है आपको -5°C, इसको केल्विन में चेंज कर लिया तो 268 केल्विन। ठीक है, नाउ आगे पढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द मैक्सिमम सीओपी पॉसिबल, मैक्सिमम सीओपी मतलब जो हमारी थ्योरेटिकल सीओपी होती है यही हमारी मैक्सिमम सीओपी होती है। तो आपको वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का की थ्योरेटिकल सीओपी आपको कैलकुलेट करनी है।
ओके, इफ द रेफ्रिजरेशन लोड इज 20 टन, आपको कैपेसिटी दे रखी है 20 टन्स, एंड एक्चुअल सीओपी 70% ऑफ मैक्सिमम सीओपी, एक्चुअल सीओपी जो है वो थ्योरेटिकल सीओपी यानी मैक्सिमम सीओपी का 70% है, फाइंड द मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड पर आवर, आप जो स्टीम सप्लाई कर रहे हैं हीटअप करने के लिए उस स्टीम का मास निकालना है, टेक टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर एज 30°C, ये किसका टेम्परेचर दे रखा है, तो जब भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दे रखा हो तो वो कंडेंसर का टेम्परेचर होता है क्योंकि कंडेंसर जो होता है वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे वर्क करता है, तो आपको यहाँ पर कंडेंसर टेम्परेचर दे रखा है, कितना दे रखा है, चलिए कैपेसिटी ऑफ द वेपर ऑफ द सिस्टम दे रखा है 20 टन, और एक्चुअल सीओपी दे रखा है आपको 70% ऑफ थ्योरेटिकल सीओपी यानी कि मैक्सिमम सीओपी, और आपको कंडेंसर टेम्परेचर टीसी दे रखा है 30°C, और आपको निकालना क्या क्या है, थ्योरेटिकल सीओपी निकालना है और मास ऑफ स्टीम निकालना है रिक्वायर्ड पर आर, एक घंटे में कितनी स्टीम रिक्वायर्ड होगी ताकि हम अमोनिया लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर सकें यानी कि सुपर हीटेड वेपर कन्वर्ट कर सकें, तो आपको मास ऑफ स्टीम निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे स्टीम का टेम्परेचर यानी कि टीजी निकालेंगे, बॉयलर टेम्परेचर यानी कि स्टीम का टेम्परेचर निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, तो हम स्टीम टेबल का यूज करेंगे, स्टीम टेबल में 2 bar प्रेशर पे जो सैचुरेशन टेम्परेचर है स्टीम का वो कैलकुलेट करेंगे, वो निकालेंगे, और वही सैचुरेशन टेम्परेचर जो होगा वही टीजी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग स्टीम टेबल खोलेंगे, तो हमने यहाँ पर स्टीम टेबल का पेज यहाँ पर मेंशन कर दिया है, फ्रॉम स्टीम टेबल सैचुरेशन टेम्परेचर एट 2 bar प्रेशर इज 120.2°C, कितना है 120.2°C, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 393.2 केल्विन। ओके, ये हो गया हमारा जनरेटर टेम्परेचर या फिर कह सकते हैं स्टीम टेम्परेचर। ओके, हमें स्टीम टेम्परेचर टीजी निकाल लिया है, हमें इवेपोरेटर टेम्परेचर टी दे रखा है, और हमें कंडेंसर टेम्परेचर टीसी दे रखा है जो कि एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के बराबर है, तो हम यहाँ पर सीओपी थ्योरेटिकल सीओपी ऑफ वेपर ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या होता है फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो टीजी माइनस टीसी अपॉन टीजी इंटू टी अपॉन टी माइनस सॉरी टीसी माइनस टी, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो आई वैल्यू पुट कर देते हैं, केल्विन में सारा टेम्परेचर आपको रखना है, तो यहाँ पर हमारी थ्योरेटिकल सीओपी ऑफ वेपर ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम आ जाएगा 1.756, कितना आ गया 1.756। ठीक, अब हमें यहाँ पर एक्चुअल सीओपी दे रखा है 70% ऑफ मैक्सिमम सीओपी, तो हम यहाँ पर एक्चुअल सीओपी निकाल लेंगे, तो आई निकाल लेते हैं हम लोग, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट आंसर हो गया हमारा, ये दिस इज द फर्स्ट आंसर, अब हम लोग एक्चुअल सीओपी निकालते हैं, आइए, सो एक्चुअल सीओपी इक्वल टू हो जाएगा 70% यानी कि 0.7 ऑफ थ्योरेटिकल सीओपी, यहाँ पर 0.7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्चुअल सीओपी आ जाता है 1.229। ठीक है, एक्चुअल सीओपी आ गया, अब हम लोग एक्चुअल सीओपी का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्चुअल सीओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल सीओपी का फॉर्मूला होता है कैपेसिटी अपॉन एक्चुअल हीट सप्लाई, तो हम यहाँ पर हीट सप्लाई का मल्टीप्लाई अगर एक्चुअल सीओपी में कर दें तो हमारा कैपेसिटी का फॉर्मूला आ जाता है, सो कैपेसिटी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इक्वल टू एक्चुअल हीट सप्लाई इन जनरेटर इनटू एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कैपेसिटी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज द मल्टीप्लाई ऑफ द एक्चुअल हीट सप्लाई इन जनरेटर विद द हेल्प ऑफ स्टीम इनटू द एक्चुअल सीओपी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कैपेसिटी दे रखा है 20 टन्स, ठीक है, तो 20 टन्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे किलो जूल पर मिनट में यानी कि 211 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर एक्चुअल सीओपी निकाल ली, तो यहाँ से हम एक्चुअल हीट सप्लाई निकाल लेंगे, फिर एक्चुअल हीट सप्लाई की हेल्प से हम लोग मास ऑफ स्टीम निकाल लेंगे, आइए तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमने कैपेसिटी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफरेंस सिस्टम पुट कर दिया 2 × 211 का मल्टीप्लाई कर दिया किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, और हमने यहाँ पर एक्चुअल सीओपी की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास एक्चुअल हीट सप्लाई जनरेटर आ जाएगा हमारा 3417.4 kJ पर मिनट। ठीक है, यहाँ से हमने एक्चुअल हीट सप्लाई निकाल लिया, अब हम लोग एक्चुअल हीट सप्लाई का फॉर्मूला लगा देंगे फॉर स्टीम, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, मास ऑफ द स्टीम इनटू लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम एट 2 bar प्रेशर, तो हम वापस से स्टीम टेबल में जाएंगे और हम 2 bar प्रेशर पे लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम निकालेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल हीट सप्लाई हमने निकाल लिया था 3417.4 यहाँ रख दिया हमने, यहाँ पर स्टीम टेबल से लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम एट 2 bar प्रेशर निकाल लिया, दैट इज 2201.6 kJ/kg, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से मास ऑफ द स्टीम आ जाएगा 1.552 kg/min, किसमें आएगा kg/min, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर कैपेसिटी में 211 का मल्टीप्लाई किया है 211 kJ/min, तो यहाँ पर मास किसमें आएगा
मिनट में आएगा, लेकिन हमें निकालना किस में है, आर में। तो यानी यहाँ पे क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से मास आ जाएगा, मास ऑफ स्टीम आ गया 93.18 केजी पर आर। दिस इज द लास्ट आंसर। ओके, तो दिस इज द न्यूमेरिकल ऑन द वेपर ऑफ जॉनसन सिस्टम। अब आपके लिए असाइनमेंट न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल आपके लिए और ये दूसरा न्यूमेरिकल आपके लिए, दोनों के आंसर दे रखे हैं, आपको दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और ट्राई करने हैं। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप सीरियसली सॉल्व करिएगा, अगर आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मतलब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, दैट इज वाटर लिथियम ब्रोमाइड एंड इलेक्ट्रोफ्लक्स, दैट इज द अमोनिया हाइड्रोजन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, एंड आल्सो डिस्कस द असाइनमेंट न्यूमेरिकल इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू।